हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टोरी प्लेटफॉर्म स्टोरी स्टार्ट में। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री की पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इससे पहले हम पार्ट वन पार्ट टू भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इस दोनों पार्ट भी नहीं देखे हैं तो इस पार्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और इसको देखने के बाद भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम सभी वीडियो में क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज भी एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ज्योमेट्री की और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम इससे पहले क्लास में जो पहला वाला क्लास था ज्योमेट्री का, एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर ये एक सर्कल है और ये भी एक कोण है, सही, और इस कोण की सहायता से अगर मैं एक एंगल क्रिएट कर रहा हूँ एक आर्क पर और ये एक थीटा है, तो और भी एक अगर एंगल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर एक आर्क पर, तो ये भी थीटा होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और भी अगर मैं एक एंगल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये भी थीटा रहेगा, मतलब ये भी 30 डिग्री रहेगा, सेम रहता है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो रहेगा क्लास क्या है, आज का जो प्रॉपर्टीज रहेगा, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये भी एक कोण है, वो है आपका क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब क्या है, इस सर्कल को टू पार्ट्स में वो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री टोटल होता है, और वो एक सेंटर है सर्कल का, इसका मतलब ये 180 180 में डिवाइड कर रहा है सेम में, इसीलिए मैंने वो को सेंटर में लिया। इसका मतलब ये डिवाइड करे सेम के पार्ट में। अगर यहाँ पर एक मैंने एंगल क्रिएट किया, सॉरी, यहाँ पर एक एंगल मैंने क्रिएट किया, अगर ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर एक आर्क पर अगर मैंने इसी कोण की सहायता से एक एंगल क्रिएट किया इस आर्क पर, इस आर्क पर जो एंगल क्रिएट होगा ये क्या 40 डिग्री होगा या और कुछ होगा, वही प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे, सही है। तो चलिए वो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं। देखिए एक सर्कल है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर क्या है मैंने बता चुका हूँ आपको, ये भी एक कोण है, और यहाँ पर एक एकर एंगल क्रिएट हो रहा है, अगर ये थीटा है और यहाँ पर एक आर्क पर एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसी कोण की सहायता से अगर हो रहा है तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा बाई टू, मतलब अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये 40/2 रहेगा, मतलब इसका मतलब 20 डिग्री रहेगा। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका कोण है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सही, ये ओ है, ठीक, ये पी है, सही। अब देखिए इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ सर्कल सही है, सर्कल ओ को मैंने सेंटर मान लिया सर्कल का, ठीक है, एंड ए टी वी, ए टी वी एंगल कितना गिवेन है मुझे, और मुझे गिवेन है 60 डिग्री, मुझे ए टी वी गिवेन है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ वी एंगल, आपको ए ओ वी का एंगल फाइंड करना है, ये आपको 60 डिग्री ऑलरेडी गिवेन है, आपको फाइंड करना है कितना ए ओ वी। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अगर ये थीटा है तो ये कितना रहेगा, थीटा बाई टू, मतलब इसका ये आधा रहता है, इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसका डबल होगा, अगर इसका ये आधा है इसका मतलब क्या होगा, ये इसका डबल होगा ना, सही है ना, इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 120 डिग्री। तो आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, पेन पेपर ही जरूरत नहीं है, आप अगर देखें ये 60 डिग्री है, इसका डबल ये रहेगा तो 120 डिग्री होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर कहेंगे ये अभी कितना है, 120 डिग्री। यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री दे देता, मान लीजिए ये 60 डिग्री दे देता और इसको मान लेता कि पूछा होता कि ए टी वी कितना है, तो आप कहते कि इसका ये आधा होगा, तो इसको आप 30 डिग्री कहते, सही है ना, ये अगर 60 डिग्री है तो ये इसका आधा रहेगा ना 30 डिग्री। उम्मीद है आपको मैंने जो समझा है समझ में आ गया होगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।